जी होंडा 125 पाकिस्तान की मशहूर सुगात है। मैं इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पाकिस्तान में आकर ली है, साथ में एक और ली है। पैसे देख लें जी आप, इन्हीं से आप अंदाज़ा कर लें कि क्या ख़रीदने वाला हूँ। ये दस्ती देख लें और ये देख लें माशाल्लाह। तो जो भी ख़रीदने वाले हैं, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको आगे मुकम्मल वीडियो में दिखाता हूँ। थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैंने बोला चलो ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, मनी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान से आपको पता ही आजकल लाइव हूँ, तो बाइक लेने लगे हैं। कौन सी लेने लगे हैं अब ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। दो लेंगे जी, और एक तो होंडा 125 है, दूसरा 125 लेते हैं या 70 लेते हैं, क्या लेते हैं? एक तो ये है और दूसरा ये देख रहे हैं साथ में, ये जो पीछे बैठा हुआ है ना, इसके लिए लेनी है एक तो। तो बहरहाल शोरूम के ऊपर जाते हैं, इस वक्त के जो रेट हैं वो भी आपको बताऊंगा और क्या प्राइस वगैरह हैं, नंबर प्लेट वगैरह क्या सूटते वाला तमाम तक डिटेल आपको दिखाऊंगा जी। तो ये पहुंच चुके हैं जी, पहले तो आप 125 देख लें। ये शोरूम में ये खड़ा हुआ है 125, और ये प्राइड है शायद, हाँ प्राइडर है। और एक पीस ये खड़ा हुआ है, एक ब्लैक में खड़ी हुई है 70, और एक रेड में खड़ी हुई है 70। यहाँ पर प्राइड है और सेल्फ स्टार्ट भी है वैसे, लेकिन 125 और 70 में से यानी कि दो लेंगे, या तो दोनों 125 ले लेते हैं या एक साथ में 70 ले लेते हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें एक मसला आ रहा था, 70 रेड वाली लेने की सोच रहे थे, मसला ये आ रहा था, शायद आप फील कर रहे हो। जब भी नई लेने जाएं तो ये इस चीज़ के ऊपर नज़र रखिएगा, ये टैंकी के ऊपर हल्का सा डंट है यहाँ पर। वैसे पेंट वगैरह तो ओके है, स्टिकर भी ओके है, लेकिन वो फील होता है हाथ लगाने से, तो ये वो दिख रखे थे। तो 125 प्राइस क्या है ये मैं अभी पे करता हूँ, तो आपको दिखाऊंगा वो भी, और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल है इसे निकालेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको आगे और दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर प्राइस जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं ये देख लें पहले आप, 155,900 यानी कि 1,56,000 में बोल रहे हैं, ठीक है। 1,00,000 मैं बल्कि डिटेल ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ये सेल्स टैक्स एंड इसके जो प्राइस हैं उनके मतलब। इस टाइम 155,900 में है, तो आगे बात करते हैं मज़ीद कापी वगैरह के मतलब क्या सूरत है वो भी देखते हैं। जो चीज़ें ये एक्सपर्ट हैं जी, साथ में जानी बादशाह, तो इनको लाया हूँ मैं। जानी थले बह के बैठे मरगाट विंग है, देख लें जी। मरगाट एक साइड पर है और टायर एक साइड पर, आपको फील हो रहा है, देख लें जी आप। तो ऐसे ही आगे वाला है वो भी चेक करेंगे, ये वाला मरगाट है जो। तो बाकी तो सारी चीज़ ओके है, ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होती हैं जो भाई ख़रीदते हैं उनको पता होता है, तो वो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है, फिर आपको दिखाता हूँ मुकम्मल। तो एक ये 70 है जी, देख लें, मैं आपको दिखा रहा था जो चेंजिंग वगैरह इसमें की गई हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, ये बैक साइड वाला नंबर प्लेट जिसके ऊपर लगाते हैं प्लास्टिक में है जी, ये भी जी। तो ये दोनों सेलेक्ट की हैं, एक 125 है और एक 70 है। तो अभी इनको तैयार वगैरह करवाते हैं, पेमेंट करते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पीस तो और भी खड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये दोनों सेलेक्ट की हैं, फ़िलहाल से मुराद यही है कि ये दोनों ही लेंगे। तो बहरहाल जो भी आगे आपको दिखाता हूँ मैं कुछ सूरत हाल इंशाल्लाह, प्राइस वगैरह टोटल यहाँ पर क्या लेते हैं, आगे इसके ऊपर जो हम लगाते हैं सेफ्टी गार्ड वगैरह जो भी है वो क्या लेते हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा जी। तो पेट्रोल भी खुद लेके आए, ये लिया है हाई ऑक्टेन वो लिया है, चलो मैंने बोला यही डाल दो अभी शुरू में। तो 175 लीटर है जी ये, और डालो इसमें। तो बहरहाल ये तैयारी शुरू है जी, बैटरी वगैरह आप देख लें, बैटरी में भाई ये पानी है सही, पानी तेजाब है, तेजाब रखेंगे बैटरी में, देख लें इसकी फिटिंग वगैरह। ये बार तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर ये प्राइस लेने जा रहे हैं जी, 156। लो माजू साहब, अगले देते कितने? 900 रुपया। हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ डिस्काउंट के मतलब बात चल रही है जी। दोस्त है जी ये लगा हुआ है, ये भी सऊदी में था, अभी आया है वापस हमसे 4-5 माह पहले, तो मेरे साथ ही होता था, तो अभी डिस्काउंट उनसे कुछ करवा रहा है। तो बहरहाल जो भी डिस्काउंट के मतलब बात होगी फाइनली हम देते हैं पैसे, और आपको बताता हूँ टोटल कितने बने और हम कितने देते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ उतना ही, एक स्टार्ट कर लिया जी, 70 स्टार्ट की है,
पेट्रोल वगैरह डाल दिया, फिटिंग कर दी है, अभी 1.5 की फिटिंग चल रही है जी, देख लें। तो 1.5 को सर्व लगा दिया जी, साउंड चेक कर लें आप। तो अभी प्राइस दे दी है जी, जो भी फाइनल है जी। तो 3 साल की इंजन की वैरायटी, 6 माह की जानी बादशाह है जी, दोस्त है पाकिस्तान में। अच्छा, 6 माह की पार्ट्स की वैरायटी है, ट्यूनिंग तीन ट्यूनिंग फ्री है। तो इसमें ये बोल रहे हैं जी, आप ट्यूनिंग कहीं से भी करवा सकते हैं, बाइक के एक्सपर्ट हैं, मैं इसलिए इनको साथ लाया हूँ। तो बहरहाल मसरूफ़ काफ़ी थे, मैंने बोला थोड़ा टाइम निकालो, चलो चलते हैं, नई बाइक ले ली है। वो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं लास्ट में आपको बताऊँगा इस बंदे का फ़ायदा क्या हुआ लाने का। देख लें, पाकिस्तान ऑटो सेंटर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ज़ाहिर सी बात है, होंडा की जो एजेंसी वगैरह किसी भी सिटी में होती हैं, आप वहीं से लेते हैं। तो मैंने इनसे परचेस की है, वैसे तो इस सिटी में दो और हैं, तो आप जिस किसी भी सिटी में हैं वहाँ से परचेस कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, होंडा वालों की खुद से एजेंसी होती है। वो अभी रेडी हैं जी, सेल्फ वगैरह मैंने आपको यानी कि स्टार्ट करके ओके है जी। बाकी इसको अभी थोड़ा बहुत जो इसकी सेटिंग मेटिंग है, सेटिंग मेटिंग से मुराद यही है ना, कोई अगर सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ लगाएंगे तो वो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा। बाकी नंबर के मुतल्लक बात कर ली है, वो अभी मैं बैठकर आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा नंबर के मुतल्लक। 70 है जी, 70 को फुल करवाएंगे। ये कितने में हुई है फुल, ये मैं अभी देखकर आपको बताता हूँ। ये अभी न्यू लेकर आए हैं, ये टारगेट का पेट्रोल स्टेशन है, तो यहाँ से इसको फुल करवाएंगे 70 को। कितने में फुल हुई, वहाँ से आई ऑक्टेन डाला है, लेकिन वो 175 का लीटर था, आपको पता है जी। तो अभी यहाँ से फुल करवाई है, फुल तो हो गई है भाई। कितने की हुई है, 1380 की बोल रहे हैं आप, और लीटर का इस टाइम रेट चल रहा है जी 150 रुपये 42 पैसे। तो 9.17 लीटर डला है इसमें। अभी ये 125 है न्यू, जो इसमें डालते हैं इसमें कितना डलता है उन्होंने, तो अभी 125 में डालेंगे, इसमें कितना डलता है ये आपको दिखाता हूँ। तो न्यू है जी, मैंने बोला एक दफ़ा टंकी फुल करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर आदमी जारी से बात आगे पीछे कहीं, चलो कुछ 2-4 दिन हफ्ता गुजरेगा फिर देख लेंगे कुछ और। तो अभी मैंने बोला इसकी टंकी फुल करवाते हैं। वो 1380 में हुई है जी 70 की, और 125 में जारी से बात है उससे कुछ ज़्यादा डलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा डलेगा, सीधा कर बस करो यार। इसमें डला है जी 1300 का, तो बस कर 70 की टंकी दोनों बड़ी है। इसके मतलब क्लियर कर दूँ, ये आपको मैं पहले भी दिखा चुका, अभी दिखा दूँ। 1,33,247.86 रुपये इसका रेट है। सेल टैक्स देख लें, 22,650 इसका सेल टैक्स है, नीचे 1,55,900, ठीक है ये इसके प्राइस हैं, लेकिन हमने कितने मिली ये भी आपको बताता हूँ। तो बाइक के मतलब आप मुकम्मल वीडियो देख चुके हैं, मैं घर ला चुका हूँ एक ये, और एक साथ में 70 है आपको दिखा चुका हूँ पहले के, एक 125 है एक 70 है। तो इनके रेट रोज बरोज जैसे जैसे डॉलर अप हो रहा है या पेट्रोल अप हो रहा है वैसे वैसे तो बढ़ रखे हैं, तो क्लियर बात है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा इस वीडियो में कि एक तो 1,55,900 आपने इसका रेट देखा है जी, लेकिन इसका जो हमने प्राइस वहाँ पर पे किए हैं डिस्काउंट करके, एक बंदा जानने वाला था वहाँ पर निकल आया, हालांकि मैं नहीं पता था, वहाँ पर गया तो उससे बातचीत हुई तो वो बंदा जानने वाला निकला है। तो 1,55,000 में यानी कि 900 रुपये इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिली है, और जो 70 है जी ये साथ खड़ी हुई है उसके ऊपर वो 97,900 की थी, तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है जी 900 रुपये, यानी कि वो 97,000 की मिली है 97,900 से, ये 1,55,900 से 1,55,000 की मिली है। ये तो हो गया इनके प्राइस, ठीक है। बाकी आप किसी भी एजेंसी वगैरह में जाते हैं, आपको प्राइस मैंने बता दिए हैं, डिस्काउंट करके आपको बता दे देंगे। अभी जो वहाँ पर मिठाई दी उसके मतलब बता दूँ, सिर्फ 300 रुपये दिया है, वो दोस्त साथ में उसी ने बात की, 300 रुपये पकड़ा उनको, पकड़ा दिया, कोई बात नहीं की उन्होंने। हालांकि मुझे ये लग रहा था दोनों के 500 लेंगे, लेकिन 300 रुपये लिया, ये फाइनल हो गया। 200 को वहाँ पर हाई ऑक्टेन डाल दिया, और उसके बाद जो टंकी वगैरह फुल की वो भी मैंने आपको बता दी है। तो बहरहाल अगर ओवरऑल इसकी कॉस्ट करें तो हमें सुबह इसका नंबर लगवाने जाएंगे तो 5,200 में एक्सचेंज से खुद मैं जाऊँगा, वो वीडियो भी लास्ट में आके मैं इसी के साथ अटैच कर दूँगा। तो वहाँ पर 5,200 में नंबर लग रहा है, और 70 का नंबर 4,500 में लग रहा है,
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आप अंदाज़ा खुद से यानी कि हिसाब लगा लें, 155 में ये आ गया और 5,5200 में और 300 वहाँ दे दिए, 5500 ये हो गया, तो कितना हो गया जी 1,60,500। और उसके बाद जी टैंकी फुल कभी यार पेट्रोल वगैरह, तो अगर कोई भी आप बाइक लेंगे, पेट्रोल तो आपने जब भी कोई बाइक लेनी है वो तो आपको डलवाना पड़ेगा, वो तो अलग से मामला, आप भी हेलमेट मैंने लेना है इस वीडियो के आगे, वो हेलमेट भी आपको दिखा दूंगा, अभी मैं सुबह जाऊंगा ना वो चीज़ें यानी कि नंबर एक्सचेंज जाऊंगा और जो हेलमेट वाली वीडियो वो लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा, तो इंशाल्लाह बाकी वीडियो आपको आगे दिखाता हूँ। ये हेलमेट है जी देख लें, और ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है वैसे खुद से, मुझे अच्छा लगा ये, मैंने बोला ले लिया ब्लैक एंड गोल्ड में। अच्छा ये अच्छे वाला मैंने देख लिया है, यानी कि अच्छे से मुराद ये है कि मैंने 7-8 दुकानें फिरी हैं तो मुझे फिर ये कुछ बेस्ट लगा, ये 1500 में मिला है, वैसे 900, 800, 1200 में ऐसे मिल रहे थे, 1500 के राउंड में यही मिला है जी, जो कि मुझे भी मैंने हालांकि सोचा हुआ था कि 4-5 हज़ार तक का लूँगा अच्छे वाला देखकर, लेकिन 1500 के राउंड में मिला है जी, इससे महंगा नहीं है जी। तो नंबर भी लगवा ली है और एक्सचेंज के दफ्तर गए थे, खुद से बाहर से 1,000 रुपये ज़्यादा मांग रहे थे, एक्सचेंज के दफ्तर गए हैं वहाँ पर बाहर से फाइल बनाई है 150 रुपये एक बाइक के, दोनों लेकर गया था 70 एंड होंडा दोनों में, तो दोनों के भाई 300 रुपये दिए फाइल बनाकर उन्होंने दिए बाहर से, और उसके बाद अंदर ले गए एक्सचेंज के दफ्तर में, तो वहाँ पर CD70 का 70 CC का 4,646 रुपया लगाया जी, और ओरिजिनल फीस है ये, और इसके अलावा 125 यानी कि 125 होंडा 125 का 5,5100 रुपये लगाए, तो ये वहाँ पर मैंने पेमेंट जमा करवा दिया है, उन लोगों ने लाइटर दे दिया है जिसके ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, फाइल वगैरह उन लोगों ने जमा कर लिया जो कि हमें नंबर प्लेट्स के साथ ही मिलेगी, और लाइटर एक दे दिया यानी कि लाइटर के ऊपर मुकम्मल बाइक की तफसील और बाइक का नंबर भी लिखा हुआ है, मेरे वाली का नंबर आ चुका है 3153, तो यानी कि उन लोगों ने बता दिया, उन्होंने बता दिया खुद से आप नंबर प्लेट अपनी बाहर से लगवा भी सकते हैं, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से आएंगी वो बोलते हैं कि 1-1.5 माह में बाद में मिलेंगी।